कितने की है? 50 जी। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। I had to get something, shit, मुझे लगता है मैं घर छोड़ आई हूँ। वाओ ऐसा वाओ, ओए नहीं बीच में है। यस ओके थैंक यू। ये ठीक वाटर टैंक्स ये। अस्सलाम वालेकुम। वो भी काट के दे। नोजल चाहिए सीट मिल जाएगी। गैस नोजल दीदी अंदर चूड़ी वाली चाहिए जी। कितने की है? 50 जी। सही है। करो लादा लादा। Thank you. Yeah. Mission accomplished. What do we do now? Now we find a place and sit. मेरे ख्याल से पहले मैंने सोचा है कि वैसे कि किसी कैफे में जाके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, लेकिन मे बी आई शुड मेक यूज ऑफ द धूप। वाई डू आई डू दिस है? वाई डू आई डू दिस? हाँ, तो वैसे मैं कह रही थी मुझे धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे कहीं बाहर बैठना चाहिए। तो ढूंढते हैं कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग भी ना हों ज़्यादा। और अच्छा वाले घर है ना, ये मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं। मतलब सीन क्या है? शोर बहुत था उस तरफ जहाँ मैंने बाइक पार्क किया। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जगह ढूंढ ली है बैठने के लिए, और अब आई थिंक आई शुड गेट समथिंग टू ड्रिंक और फिर जो है ना बैठते हैं और बात करते हैं। ग्रेनोला बार्स होती थी तो वो बड़ी मज़ेदार भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं, लेकिन आई थिंक वो अब नहीं है। Chicken flavored coated
पीनट्स हैं और कॉफ़ी है। तो मैं जाके बैठने लगी हूँ पार्क में जहाँ पे ज़रा शांति। यू नो व्हाट आई मीन? डू यू नो? डू यू गेट इट? लेते हैं अभी। अच्छा मैं बहुत आ गई हूँ, लेट्स गो। यार ये अच्छे माहौल्स हैं, वहाँ बैठती हूँ। तो जी अब बैठते हैं या नहीं बैठते क्योंकि कोई और बैठ गया। यार अच्छी जगह थी। अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर मेरे से बात नहीं होगी। तो पहले तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं विच इज़ सच अ ब्लेसिंग। आई रियलाइज कि कितनी बड़ी बात है और विद द अमाउंट ऑफ वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड ये वाकई बड़ी बात है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। दूसरा आई डू रियलाइज द फैक्ट कि आई हैवन बिन अपलोडिंग और मुझे लोग कहते भी हैं, मुझे दो लोगों ने मैसेज किया जब मैंने वो स्टोरी अपलोड की थी थैंक यू बोलते हुए। तो वो मुझे मैसेज किया था कि वीडियोस नहीं अपलोड करती हैं आप, या वीडियोस तो अपलोड कर दिया करें ऐसे। तो आई एम हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अभी कि ऑफ कोर्स आई वांट टू और करनी भी चाहिए, मुझे रेगुलरली करनी चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि फुल टाइम काम जब आप कर रहे होते हैं ना कोई, तो आप 100% उसमें इन्वेस्टेड होते हैं। मैं YouTube फुल टाइम अभी करना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फ्रीलांस भी साथ, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो करना। YouTube से पैसे नहीं आ रहे मुझे। किसी ने मुझे ये भी कहा था कि अब अगली वीडियो से मोनेटाइजेशन स्टार्ट, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं होता ऐसे। तो अगर हो भी फिर भी जितना हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं ना यूट्यूब को, उतना है नहीं सीन, क्योंकि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। तो यू डोंट इन द बिगिनिंग, कई अरसा यू डोंट। तो मैं अभी उसी अरसे में हूँ तो कोई पैसे नहीं आ रहे, तो फिर और चीज़ें करनी होती हैं आपने, फ्रीलांस कर रहे हो आप, काम कर रहे हो, राइटिंग ये वो। लेकिन आई हैव अ प्लान और अब आई थिंक कि आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर इन दिस और मैं ज़्यादा वक्त लगा सकूँगी। लेकिन इट्स ऑब्वियसली नॉट अ कमिटमेंट क्योंकि पहले भी आई डिडंट नो कि क्या सर्कमस्टांसिस होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। और मैंने क्या कहना था, हाँ तो मतलब काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं जो आपको ना वो नहीं करने दे रहे होते जो आपका गोल होता है। तो जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो मेरा गोल यही था कि अब जो है ना रेगुलर वीडियोस, लेकिन नहीं हो सका। हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगी थी, अभी मैंने ना दूसरे एंगल में बैठ के ये सारी बातें की हैं तो मुझे अब डाउट है कि पता नहीं धूप की वजह से नज़र भी आ रही थी मैं या नहीं, या शोर था, आवाज़ आ रही थी या नहीं, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए आई एम फॉरगेटिंग अ फ्यू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। मैंने ये कहना था कि
जो मेल मतलब मोटो व्लॉगर्स होते हैं और जो फीमेल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है. यू आर प्रिविलेज इन लॉट ऑफ वेज. जब आप लड़के होते हैं आप दिन में कभी भी जा सकते हैं, आप रात को भी निकल सकते हैं. हमारे पास ये सहूलत नहीं होती. हमने निकलना है तो हमने रोशनी में निकलना है. डेफिनेटली द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस इज़ कि हम नॉर्मलाइज कर दें, रात को भी निकला जा सके, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है. तो यू हैव टू बी केयरफुल. तो मैं शाम से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पहुँचूँ. तो शाम तो यूनिवर्सिटी से निकलते हुए हो जाती है. तो उस चक्कर में भी फिर क्या टाइम आपको मिलता है जब आप रिकॉर्डिंग कर सकें? तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ. काफ़ी लंबी हो गई है गुफ्तगू. असल में मुझे ये बातें 3 दफ़ा करनी पड़ी हैं. 1 दफ़ा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और 1 दफ़ा अंधेरा था और पता नहीं क्या था. शोर कम हो गया वैसे, शुक्र है. तो मतलब मैं अब 3री दफ़े ये बातें कर रही हूँ और उस वजह से जो है ना काफ़ी सारी मिस हो गई होंगी. तस्वीर लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जो है ना बॉयज तो सब मुझे घूर के देख रहे हैं. तो सबके पास आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे. ठीक है, बात डिड आई डू ऑल आई एम आस्किंग इज फॉर वन पिक्चर. Kids come here. Okay, let's not do this. परेशान नहीं करना हमने जानवरों को. अच्छा वैसे तो मुझे लग रहा है वो खेल रहे हैं क्योंकि बहुत भाग रहे थे. I have it on my phone. मैं स्टोरी पोस्ट कर दूँगी. अब ना मैं निकलती हूँ, ठीक है, और I'll see you guys. Check the mic and make sure it sound right, boys.